नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। महानगर के सीपरी बाजार में विधानसभा 223 के लिए सपा के भावी प्रत्याशी सिंहव्रत सिंह यादव सुबह विभिन्न संस्थानों, होटलों के प्रसिद्ध नामचीन लोगों से भेंट कर एवं जनता के बीच आकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में उत्कृष्ट किए गए कामों का हवाला देते हुए एवं वर्तमान में सरकार आने पर नीतियों के बारे में जनता के बीच चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव के लिए वह प्रत्याशी बनते हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर अखिलेश यादव की सरकार को मजबूत करेंगे। यदि पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में टिकट मिलता है तो उनके साथ मिलकर सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के 4.5 वर्ष होने के बावजूद सरकार ने झांसी के लोगों के लिए क्या किया है, उसका मूल्यांकन झांसी की जनता करेगी। किस तरह महंगाई, भ्रष्टाचारी एवं रोजमर्रा की खान पान की चीज़ों पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जनता से छिपी नहीं है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलती है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। हम लोग सभी साथी जो हैं वो सुबह प्रातःकाल हम लोग सभी जो झांसी के प्रसिद्ध जो संस्थाएं हैं, प्रसिद्ध अपने अपने क्षेत्र में जो लोग झांसी में नाम कमाया है उन लोगों के यहाँ जाके हम लोग जो पब्लिक के बीच में पहुँच के आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करते हैं और उनके किए हुए कार्यों के बारे में एवं भविष्य के कार्यों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी के तहत हम लोग प्रातःकाल शहर में मुख्य मुख्य जगह जाके उनके पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या चर्चाएं चल रही हैं पूरे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मौजूदा पार्टी ने जो काम दिखाए हैं कितनी सच्चाई है? देखिए, उनके कामों का आकलन तो जनता करेगी। 4.5 साल में जिस तरह से जनता बौद्रेशन में जी रही है, परेशानियों में अपना जीवन यापन कर रही है, कोरोना काल है, नोटबंदी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में तो जनता आकलन करेगी कि भाई इन 4.5 साल में जो उन्होंने किया होगा उसका परिणाम उन लोगों के सामने होगा। और रहा हम लोगों की बात, तो हम लोग जो जगह जाके चर्चा इस बात की रख रहे हैं कि जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उनकी चर्चा के साथ साथ आने वाले टाइम में जो आदरणीय अखिलेश जी ने घोषणाएँ की हैं उनके बारे में चर्चा, एवं हम लोग अपने लोकल स्तर पर झांसी के लिए जो हम लोगों ने अपने आप के लिए एक टारगेट निश्चित किया है कि टूरिज्म पे हम लोग काम करेंगे और स्किल वर्कर पे हम लोग काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने जो टिकट के लिए अप्लाई किया है कौन सी विधानसभा से? मैं झांसी से, झांसी विधानसभा 223 से समाजवादी पार्टी में आवेदन किया है और अगर पार्टी विश्वास व्यक्त करती है, जिसमें भी विश्वास व्यक्त करेगी उसका हम लोग पूरी ताकत के साथ साथ देंगे और अगर पार्टी अगर हमको मौका देती है तो पूरी ताकत से पार्टी के सम्मान के लिए, पार्टी को आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद।